तब मोरदोज ने के मांगा कि भगवान मुझे दीजिए भक्ति और भाव सदा संतन परवानी, मुझे भाव भक्ति दे दो, मुझे राग नहीं चाहिए। तो पुण्यात्माओं हमने मांगना भी ना आता भगवान से, हमने यही मांगना चाहिए परमात्मा भक्ति भाव दीजिए, कि उसके अंदर फिर सारा ही कुछ आ जाता है। एक लड़की की शादी हुई कहीं, उनके घर में झगड़ा रहने लगा, उसका पिता बुला लिया। पिताजी ने पूछा भी क्या क्या झगड़ा है तुम्हारा, क्या बात है, मेरी बेटी में क्या दोष है। उसकी सास बताने लगी या दही खा जा, घी खा जावे है और नू कर ले, फलानी कर ले। तो उसका पिता बोला बेटी दूध पी लिया अगर छक के, तो उसमें घी भी, दूध वो घी भी आ गया और मलाई भी आ गई, दही भी आ गई, एक कह में सारे काम हो गए। तो ऐसे ही भक्ति मांगने से हमें सब कुछ मिल जाता है। यहाँ के जो संसारिक सुख है इस भक्ति में ही है सारा कुछ। परमात्मा कहते हैं एक का साथ दे सब सद, सब साथ दे सब जा, यानी इसको कहीं पर भी हम लगा लें, जैसे भी एक भक्ति के मांगने से हमें सब कुछ मिल जाता है। जैसे किसान गेहूं बोता है, किसान गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारा प्रथम उद्देश्य ये होता है कि भाई हमने बच्चों को परिवार को खाने के लिए अन्न मिले, और गेहूं के साथ वो भूस वो तूड़ा चारा तो अपने आप ऑटोमेटिक होता है, वो तो पहले बनेगा, उसकी ना इच्छा तो अभी चारा तो मिले ही मिलेगा, उसमें बनेगा। तो ऐसे ही हम भक्ति करेंगे तो ये तो सुख आपको प्रथम मिलेंगे, ये बाई प्रोडक्ट है भक्ति का। तो इसलिए हमने परमात्मा से केवल मोक्ष उद्देश्य से भक्ति ही मांगनी चाहिए। तो रामानंद जी कह रहे हैं भगवान, कहते हैं भगवान अब कैसे भूलो उस भगवान की इस महिमा ने जिसने मुर्दे को जीवित कर दिया। अब परमात्मा के बाद तो ऐसा रिमोट था कि एक मिनट में उनको ऑफ कर देते, उनकी जितनी महिमा थी। कहने लगे ठीक है स्वामी जी, आपने महाभारत में सुना है कि जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में हो गई थी, अभिमन्यु श्री कृष्ण जी का सगा भांजा था, सुभद्रा पुत्र था, उसको भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके, कहां गई उनकी समर्थता। अब रामानंद जी रोज पढ़ते, हम भी पढ़ा करते, परमात्मा का ज्ञान से पता लग गया सचमुच ये तो बात कुछ और ही है। रामानंद जी फिर उनके मुंह की तरफ देखकर भगवान आया बात तो आपकी सही है, तो परमात्मा आप ही बताओ फिर। ऋषि जी कहते हैं प्रभु आप ही बताओ इसका कारण। तो परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि ताम्र ध्वज जो मोर ध्वज का बेटा था उसके श्वास शेष थे, उसकी आयु शेष थी, श्री कृष्ण जी और ये यहाँ के जो सिद्धि शक्ति जो भी संत हैं इतना काम तो ये आम कर देते हैं। आपने सुना है कि रामायण में कि सीता जी को घर से निकाल दिया, वो गर्भवती थी, वहां जाकर के ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में उन्होंने एक बच्चे का प्रसव किया, उसका नाम लव रख दिया। उसके बाद सीता जी कपड़े धोने के लिए दरिया पर गई तो लड़के को साथ ले गई, बाकी समय में वहीं छोड़ जाती थी ऋषि जी के पास। उस दिन ऋषि जी ध्यान में काफी समय तक रहे, सीता जी ने सोचा कि कोई जंगली जानवर मेरे बच्चे ने ना खा जा, इसलिए साथ उठा लेगी। ऋषि जी की आंखें खुली, समाधि से वो बाहर उठे, भक्ति से जागे तो उन्होंने देखा कि लड़की का लड़का नहीं है। वो ये चिंतित हो गए कि बेटी को ये पता चलेगा कि उसका बेटा मर गया, क्योंकि ऋषि जी को भी पता था कि यहाँ हिंसक जानवर है, अवश्य उठा ले गए होंगे, नहीं तो बेटी प्रतिदिन यहाँ लड़के को छोड़कर जाया करती थी। तो ऋषि जी ने सोचा या पहले महादुखी है, घर से त्याग रखी है, और अब ये देखेगी कि बेटा नहीं है तो ये अभी डूबकर मर जाएगी दरिया में या जीवेगी नहीं। इस उद्देश्य से महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति कमाई तो एक डाब का पत्ता उठाया,
तोड़ा घास, जिसको कुश बोलते हैं, कुश, उस कुशा का, तो उस कुशा से कहते हैं वो एक लड़का उत्पन्न कर दिया अपनी शक्ति से, और उसका नाम पहले तो लव ही था, क्योंकि वो तो गुप्त रखना चाहते थे। जब सीता जी कपड़े धोकर के वापस आई, लड़के को गोदी में लिए हुए थी, ऋषि जी ने पूछा बेटा ये पुत्र किसका है, और सीता जी ने पूछा पिताजी ये पुत्र किसका है, तब ऋषि जी ने कहा बेटी ये भी तेरा ही समझ। सीता जी ने सारी बात कहानी बताई कि ऐसे ऐसे आज अब भक्ति से उठे नहीं थे, एक बार तो मैं बच्चे को छोड़कर चली गई थी, फिर मेरा दिल नहीं डटा, अब मैं वापस आई तो भी आप समाधिस्थ थे, और मैं पहले कहकर चली गई थी पिताजी मैं कपड़े धोने जाती हूँ बच्चे को संभालना। तो बेटी मन ने सोचा तो बच्चे को यही छोड़ गई है, और मैंने सोचा कि कोई हिंसक जानवर इसको खा गया है, इसलिए बेटी मैंने एक लड़का और अपनी भक्ति कमाई से आपके लिए तैयार कर दिया था, अब दोनों को पाल दे। तो परमात्मा बोले ये तो एक ऋषि वाल्मीकि ने कर दिया, यू काम एक लड़का नया बना दिया अपनी शक्ति से, क्या इसमें फिर वो भगवान नहीं थे और यही भगवान माना। तो श्री कृष्ण परमात्मा बता रहे हैं कि ये भगवान जो संत है ऋषि हैं, ये जो यहाँ के भगवान हैं, ये आयु नहीं बढ़ा सकते किसी की, ये केवल प्रारब्ध दे सकते हैं। जैसे श्री बोर तामरध्वज जो पुत्र था उसकी आयु शेष थी, और इतनी शक्ति इन भगवानों में है कि इस शरीर को ये मर जा तो जीवित भी कर सकते अगर श्वास शेष है, तो आयु शेष नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना ही था, चक्र व्यहू में मरना था, उसकी आयु शेष नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे को जीवित नहीं कर सके। सुभद्रा रो रही थी टक्कर मार मार के अपने भाई से लिपट लिपट कर उस भगवान श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण रो रहा था, यदि वो समर्थ शक्तिशाली होते तो उस बच्चे को जीवित कर देते, उसकी उम्र बढ़ा देते, नहीं बढ़ा सकते। ये तो केवल एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मैं हूं, कबीर परमेश्वर कहते मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब रामानंद जी बड़ा गदगद हो रहे, रत्रा गजब हो यो, या तो बात कदे मन में भी ना आई थी कि अभी मनो क्यों ना जीवित किया इसने, मोर दूसरा लड़का जाकर उड़ा बाहर का जीवित करवा दिया, अपनी बहन का बेटा जीवित नहीं उसका। पुण्यात्माओं परमात्मा की परिभाषा आपको सुनाई जा रही है, अभी तक समाज जो भक्त समाज है, मानव समाज है, प्रभु की परिभाषा से भी परिचित नहीं है, ये सत्कर मान लेना। अब देखो किसी वस्तु के गुण लिखे हैं और वस्तु रखी है, और उसके साथ में दूसरी वस्तु रखी है उसके भी गुण लिखे हैं, तो दोनों के गुणों को पढ़कर ही उसमें डिफरेंशिएट किया जा सकता है कौन बहुमूल्य है कौन कम मूल्य वाली है, न्यून मूल्य की। अब जैसा इन भगवानों में शक्ति थी वो तो हमने घने दिनों से सुनते आ रहे हैं, योगों योगों से ये सुनते आ रहे थे, श्री कृष्ण जी ने ये कर दिया, सुदामा का महल बना दिया, श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज के बेटे तामर ध्वज को आरे से चेत दिया था, उसको जीवित कर दिया। ये तो एक हिंदू समाज, पवित्र हिंदू समाज के अंदर जनसाधारण के जुबान पर था, और किसी को नकारा नहीं था, जो भी चर्चा करता था तो उसको सेकंड कर देते थे, बिल्कुल सही है, सभी खुश होते थे, हाँ भगवान ने भगवान न पढ़े थे श्री कृष्ण जी जैसे, तो को भगवान है कोई ना, विष्णु जी के अवतार थे ये, सतगुण भगवान है। तो किसी भी हिंदू समाज में नो डाउट था, कोई भी किसी को शंका थी कोई नहीं, भगवान पूर्ण कोई ना, इनकी यही महिमाएं सुन सुनाकर जो हम हजारों लाखों वर्षों से यही रिपीटेशन यही आवृत्ति होती आ रही थी। तो अब हम आपको उस समर्थ शक्ति परम पिता परमात्मा की महिमा सुनाते हैं। इसी की तुलनात्मक कथा सुनाते हैं उस परम पिता की,
अब ये दास आपको बताएगा कबीर परमेश्वर की महिमा। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी सन 1398 संवत 1455 से सन 1518 और संवत 1575 अर्थात 120 वर्ष तक इस धरातल पर एक मानव जीवन की लीला करते हुए रहे अतिथि रूप में। सन 1398 में वो काशी नगर में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वो किसी माँ से जन्म उनका नहीं हुआ था। नीरू और नीमा नाम के दंपति निसंतान थे। वो परमात्मा को तालाब उस कमल से उठाकर घर ले गए थे। वहां परमात्मा 120 वर्ष तक अपना लीला में शरीर करके एक मनुष्य, एक भक्त, एक तत्वदर्शी संत, एक प्रसिद्ध कवि की भूमिका निभाकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके अपनी समर्थता को प्रकट करके सह शरीर सतलोक चले गए थे मगहर से। मगहर जो उत्तर प्रदेश में एक मगहर रियासत था पहले, अब वहां वो एक कस्बा सा है। ये दास वहां देख कर आया है सैकड़ों भक्तों के साथ जाकर के। वो सह शरीर वहां से गए थे। वहां के व्यक्ति मगहर टाउन के मगहर कस्बे के व्यक्ति भी इस बात के गवाह है और परमात्मा की कथा भी इस बात की साक्षी है। तो उस समय जब परमात्मा 120 वर्ष तक एक संत की भूमिका निभा रहे थे, एक तत्वदर्शी संत जगत गुरु की भूमिका निभा रहे थे, उस समय उनके बहुत से शिष्य हो गए थे। परमात्मा ने क्या किया, अब आपने तो एक कथा सुनी थी श्री कृष्ण और विष्णु की के बोर ध्वज के बेटे तामर ध्वज को आड़े से चरवा के जीवित किया। अब आपको ढेर सारे प्रमाण दूंगा उस परम तथा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर परमात्मा के, जो जिन्होंने ऐसे बहुत सी लीलाएं की और इनसे आगे की मुर्दे को जीवित किया, जो ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 में 61 के मंडल में और मंत्र नंबर सूक्त 161 में और मंत्र नंबर 2 उसमें यहां तक कहा कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी आयु शेष नहीं, वो परलोक भी चला गया, शरीर छोड़ गया है, उसको भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वापस जीवित करके 100 वर्ष की यानी जितने लंबे से लंबी आयु दे सकता है, क्योंकि मनुष्य की आयु 100 वर्ष लेकर चले है कलयुग में। तो वो परमात्मा कौन है, कबीर भगवान है, कबीर प्रभु है। कबीर प्रभु क्या कहा करते थे, हिंदू और मुसलमानों को समझा करते थे, तुम काल के द्वारा डिवाइडेड हो, तुम एक पिता की संतान हो। काल देखो, विचार करो, चलो मुसलमान भाई तो नहीं मानते हो पुरानी हिस्ट्री को, हिंदू तो मानते हो। सतयुग में कोई धर्म नहीं था, त्रेता में कोई और धर्म नहीं था और द्वापर में कोई भी दूसरा धर्म नहीं था। अब कलयुग में ये कितने धर्म बना दिए, काल ने बना दिए, क्योंकि अब ये मोक्ष पर जो लगा हुआ बैन था, यो बैन उठना था और काल का और परमात्मा का संवाद हुआ था। काल ने इसी उद्देश्य से हमको इतना भ्रमित और अज्ञान में भर दिया और डिवाइड कर दिया, अलग अलग ग्रुप बनवा दिए, ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, और सिख सिखों में लठम लठा, हिंदू हिंदू मार काट, मुसलमान मुसलमानों को मार रहे, ईसाइयों की ब्रांड मैटी। तो कहते हैं अज्ञान इतना भर दिया, दया धर्म छोड़ी को नहीं कलयुग में, भक्तिहीन कति हो गए। तो परमात्मा कहा करते थे, हिंदुओं के गुरुदेव अपने ही सदग्रंथों से परिचित नहीं है,
ये तुम्हें यथार्थ ज्ञान से अलग लोक वेद सुना करके तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, तुम्हारे से जो पूजाएं करवा रहे हैं ये सही नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण मनमानी पूजा करते हैं उनकी ना तो कोई गति हो, ना कोई सुख हो, न ही उनका कोई कार्य या उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, कुछ भी ना हो, व्यर्थ यूजलेस। हिंदुओं को कहा करते थे कि तुम जो ये गुमराह कर रहे हो भोली भाली आत्माओं को, इन मुसलमान ये उन ब्राह्मणों को, गुरुओं को, ऋषियों को, महर्षियों को परमात्मा अपनी अमृतवाणी में लताड़ा करते थे। क्या कहते थे? अरे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे कह देख कैची ना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे कह कैची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। हिंदू समाज में एक बलि चढ़ाने की बीमारी इन नकली संतों ने ला दी। कुछ तो दिमाग तक काम लेना चाहिए हमने। यहाँ इंदौर हरियाणा में एक गुड़गांव वाली माता है, पहले इस पर बकरे चढ़ा करते, तो थोड़ा फर्क इतना कर दिया समझदार समाज होने लग गया कि बकरे को कटवाते को न, उस बकरे को वैसे 50-100 बकरे रखते हैं और उनको 100 रुपये देकर बकरे वालों से ले आते हैं, वो पुजारी तो ही पकड़ा दे, वो पुजारी वापस फिर बेच दे उसको उन्हीं ताई। वो जैसे हम जाया करते साल लासर पूजन हनुमान जी की पूजा करने, वह नारियल चढ़ता है और एक लंगोट सा लाल सा कपड़ा धज बोले उसने धज, तो वो सूखे नारियल जिसने गधे भी ना खावे, कती सूखे खड़ंग कुछ भी यूजलेस, वो वहां 500-400 वहां रखे रहते थे रेडियो पे, और हम उन्हें खरीदते मंदिर में चढ़ा देते, मंदिर वाला तो वो खरीद लेते फिर रेडियो वाले हैं, और वो 500-1000 जो नारियल थे वे उड़े कई वर्षों तक चक्कर काटे जहां वो किस से काम के को ना, उन हनुमान जी को उनसे सूखे नारियल खाया करता, वो तो अच्छे पहलवान भगत थे और खूब बढ़िया उस समय जन्म था, बढ़िया मेवा खाते थे वो, इधर नारियल पे भरोसा बैठे हैं क्या वो, तो अब पता लगे हमने पहले हम भी यही पुजारी थे। तो क्या करते हैं, क्या बहका दिया इन नकली संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने हमारे को हमारे पूर्वजों को, क्या कहते थे कि अपने बच्चे लड़के या लड़की का बेटा या बेटी हो है, तो अपने इष्ट धाम पर जाकर बाल तुड़वाने चाहिए, बाल समर्पण कराया हुआ, जब तुम्हारा कल्याण रहेगा, बच्चे सुरक्षित ठीक रहेंगे, अमर लंबी आयु के होंगे, ऐसे ऐसे। तो उसी निर्देश के आधार पर बुढ़िया अपने पुत्र वधू को और साथ में पोते या पोती जो नवजात शिशु होता उसको लेकर जाती गुड़गांव वाली पे, या बनभौरी है यहाँ पर बनभौरी पे, रोहतक में बेरी वाली पे, तो वहां क्या ले जाते हैं गुड़गांव वाली माता पर, और वहां जाकर नाई बैठा होता है और जाने वाले जो जाते हैं उनको जल्दी बहुत होती है, वो नाई को कहते हैं भाई थोड़े से बाल तार दे बच्चे, जल्दी उन्होंने कह दे थोड़े से तार काट दे बस, बाकी फिर कटवा लेंगे कहीं और, चलो जैसा भी थे सारे भी वहां कटवा लें, तो बाहर अगर 2 रुपया में बाल उतर कटते हो तो उड़ा 5 रुपया में कटिया करते माता पर, वो 5-4 देने पड़ते, तो बाल उतरवा के लड़के के जब बाल उतरवाने लगती तो कैंची लेकर नाई बच्चे की तरफ चलता, तो नो के आकर गुड़िया रे भाई ए नाई के धीरे धीरे कैंची ध्यान से चलाइए भाई, मेरे बेटा पोता या पोती के दे कच्चा शरीर है कि तो कैंची ना लग जाए इसके,
ध्यान तो भाई सौ वह कहेगी। परमात्मा कहते हैं अपना बच्चा इतना प्यारा तने कैसी लागण का भी डर, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटा दिया, अरे नालायक तू फिर अपने बच्चे की परिवार की इससे खैर भी मानती है, पाप करने से कभी सुख होता है? पाप का प्रतिफल तो भाई दुख होया करे। और फिर वो बाल उठाकर बुढ़िया अंदर पुजारी उस मंदिर में डाल देती है, पुजारी उसने उठाकर और एक कट्टे में भर ले, सारा ने दुआते रहते और रात्रि में बालों के भरे हुए बोरी ने और बार कुर्डिया पर फेंक देता, सुबह उठाकर खाली कर देता। अब बाल कुंड से बैंक में जमा कराने के वो तो बाहर ही फेंकने पड़ेंगे उनने भी। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम अपने बाल यही काट कूट कर फेंक दिया करो, कितने जान की हो सकता नहीं। तो ऐसे गुमराह कर रखे थे। फिर क्या बताते हैं, कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मोते वो क्यों ना मर गईया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। हमने देखी हमारी दादी माता धोकन ले जाया करती, हमने वो इन जल्दी जल्दी बनाते कच्चा पाका किसा बन जाता, उन्हें पता कुत्ते ने खाना ना मारता खावा कोई और, वहां तो है ही नहीं कुछ भी, तो कोई सी बनाने में देरी कर जाती ना, उसने छो मार दी तो ना दो घंटे ला दिए बना दें दिशा जल्दी गाल दे, वो कच्चा पाका लेकर और वहां घेर देती। वो ऐसी एक पांच चार इंट लगा के बना रखी होती है कुटिया सी चबूतरा सा बना करके, तो उसने वहां जाकर वो पूड़े गुलगुले जो भी बना के ले जाते थे वो डाल देते दलिया। अब कुत्ते चारों तरफ खड़े रहते थे, एक आधा तो वहां खड़े खड़े ऊपर चढ़ जाता उस चबूतरे पर, उसको फिर उतारते दमकाते। अब वो बुढ़िया तो माता की पूजा करके नीचे भी ना उतरती, इतने कुत्ते चारों तरफ चढ़ जाते और उस माता के दलिये ने कूड़े ने कुत्ते खाया करते, और चलते समय उस समय मूत के जानते। तो परमात्मा कहते हैं अगर तेरी माता व जिसने तू खैर मांगने गई परिवार की, अगर वो ऐसी शक्तिशाली है उसके ऊपर कुत्ते में उतर उसका भोजन खा गए, उसने उसकी टांग क्यों ना तोड़ दी, वो कुत्ता क्यों ना मर गया, क्यों नहीं मार दिया उसने, अरे नालायक अनजानो तुम के पूजा कर रहे हो, कभी सोची तुमने, ये तुम्हारे गुरुओं ने भ्रमित कर रखा है हिंदुओं के, ये परिचित नहीं है पवित्र गीता जी और वेदों के ज्ञान से। परमात्मा चौराहे पर खड़े होकर आवाज लगाया करते थे, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए ईव झड़े ना झाड़े। फिर क्या बताते हैं कि जीवत बाप गिल लठम लठा मुए गंग पोचैया, जब आवे आसुज का महीना फिर कौवा बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या बताते हैं भगवान कि अपने माता पिता की जब वो जीवित हैं तब सेवा करो, उनको उतना प्यार दो जितना तुम्हारे को जब वो बालक थे तुम थे माँ बाप ने कितना प्यार दिया था आपको, इतना ही प्यार की वो डिजर्व करते हैं, इतना ही प्यार की वो आशा रखते हैं कि हमें हमारे बच्चे बुढ़ापे में इतना ही लाड करें, इतनी हमारी सेवा करें। अब जीवित बाप के तो लठम लठा उसकी कदर नहीं करते, और मरने के बाद उसके अस्थियों को और फिर गंगा में डाल का आवेंगे, अरे तेरा गजब, अब उस अस्थिया ने कितना फूक दे वो तो राख होगी, वह चीज वस्तु थी वह चली गई, अपने हाथों फूक दिया जला दिया, बताई उसमें के रहेगा अपना। उन अनजानों ने इतना भ्रमित भयभीत कर रखा है कि तेरे पिता की गति जब होगी जब तुम इसको गंगा में प्रवाह करके आओगे। एक भक्त की पत्नी नाम ले रही थी और वो पति उसका ज्ञान तो सुनता था लेकिन नाम लेने की इच्छा नहीं थी, कि बूटी गाटी लाया करता उसको छुट्टे ना था,
और ज्ञान नो कहता वैसे तो ठीक है, फिर ये कैसे हो भाई मात पिता ने गंगा में फूल ना गिर कहा उसकी अस्थि नहीं डाल कहा है, या तो मेरा बात दृष्टि नहीं और सारी बात ठीक है, हम अपने पिता की क्या इतनी भी श्रद्धा नहीं रखते भी उसको वहां गंगा में तक पहुंचा दें उसके शरीर में। अब वो अभी समझाती थी पर वो नहीं मान रहा था, तो फिर उसने बाद में उपदेश लिया फिर कथा सुनाई। ने बोला मेरा ताऊ मर गया, दूसरा ताऊ, उसके साथ मैं उसकी अस्थि उठाकर ले गया। तो वहां पर उन्होंने वहां जो गंगा घाट पर वहां जो रहते हैं गंगा घाट पर उन्होंने डिवाइड कर रखा है अपने क्षेत्र को, इसके प्रोहित हम इसके प्रोहित, तो हम दूसरे के पास खड़े थे। इतने वो आ गया हमारे वाला उस क्षेत्र का, कहना आज आज तुम इधर आज तुम कहां से आए हो, इधर आज मेरे पास है तुम्हारा सारा रिकॉर्ड, तो उन्होंने रिकॉर्ड देखा कौन से गांव से आए हो, उन्हें खोली वा बई जी खोल कर देखा ने बोला जजमान इब कद गने दिन में आए तुम, रत रागत बोला मेरे तो छाती में लगी वा बात, अयो दुश्मन हमारा रोज मरण की बाट देखा है कि रोज रोजाना मरे राम इसके पास हवा इसकी कमाई बने, तो कुछ तो ज्ञान मालिक का उसने सुन रखा था कुछ, क्योंकि वह अभी तक बीच बेचारा डट रहा था, नोन गिरना था या नोन जड़ते निकल चुकी होती है जो ज्ञान सुन लेता है। तो उसने ने बोला उससे दिन मेरा पक्की जिचगी, अकीब तो नाम वहीं से लेना पड़ेगा, ये तो दुष्ट है वारी रोज बुरी बुराई खैर मनाते हैं इनका, कोई मरा उस क्षेत्र में हमारे पास या कुछ पैसे पूजा करना हो। अब देखो पिता की गति कहां से शुरू करी हमने, गंगा में अस्थि डाल का हो गति कराने के लिए, फिर कहे अब इसकी 13वीं करो 17वीं करो गति कराने के लिए, फिर कहते हैं इसका महीना करो गति कराने के लिए, फिर कहते हैं इसके पिंड भरवाओ गति कराने के लिए, अच्छा गति होगी, अब कहें श्राद्ध निकालो किस लिए गति कराने के लिए, अरे नालक को तुम दुर्गति करा दी, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते उसे गति नहीं हो सकती, वो दुर्गति होती है। क्या बताते हैं कि आशुद में क्या आते हैं ये श्राद्ध निकालते हैं 16 दिन, और उसमें जब श्राद्ध निकालने आते हैं गुरुजी वो क्या कहते हैं कि ये जो भोजन बनाया है ना पहले ऊपर छत पर रखो, छत पर थोड़ा सा, और कौआ जब भोजन खा गया तो समझो तुम्हारा श्राद्ध सफल है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा पिता कौआ बना हुआ है, हो सकता है तुम्हारा पिता कौआ बना हो, अरे तेरा गजे भैयो कहां से गति कराने लगे थे और पिता कौआ बना के छोड़ दिया या गति करवा दी। कहते जीवित बाप के लठम लठा और मुंहे गंग को चैया, जब आवे आसुज का महीना वो कौआ बाप बनाया रे बोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या बताते हैं नरसे तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहां मन बोरे कहीं कुरड़ी चरने जाई, प्रेत शिला पे जाए विराजे फिर पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए वो काग हुए कलमाही, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब परमात्मा कह रहे हैं कि ये थी तुम सतगुरु की संगत करते पूर्ण संत की शरण में आ जाते ना तक तुम भूत बनते ना तुम्हारे श्राद्धों की आवश्यकता पड़ती और ना तुम्हारा बाप कौआ बनता, जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, सभी पाप कर्म तुम्हारे नष्ट हो जाते और इसी किसी क्रिया की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती, अमरपुरी में आसन होते तुम्हारे सतलोक में स्थान होता जहां कोई कष्ट नहीं है। इसी प्रकार पर इसी प्रवचनों से परमात्मा के इस यथार्थता से और इस कड़वी सत्य से इस कुनीन से वो हिंदुओं के गुरु नाराज हो गए,
और कहने लगे ये कबीर तो अशिक्षित है, ये जुलाह है, छोटी जाति का है, ये हमारे ब्राह्मणों की निंदा करता रहता है, गुरुओं की निंदा करता है, ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, इसको मार दो, ऐसे है, इसकी बात मत सुनना। इसी प्रकार परमात्मा उन मुसलमानों को समझाया करते थे कि तुम्हारे को ये मुल्ला और काजी मूर्ख बना रहे हैं, क्या बताते थे उन काजियों को लताड़ा करते थे प्रभु कि तुम इन गुमराह करे किए हुए हो इन पुण्यात्माओं को, मुसलमानों को, बोली आत्माओं को। कहते हैं किसी भी कुरान पुराण में परमात्मा का आदेश नहीं है कि मांस खाओ। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 180,000 को सौगंद जी नहीं कर्द चलाया। अर्श कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरस्ते साहिब के अब्दाली है। कहते हैं अनुमान श्री मोहम्मद जी के, हजरत मोहम्मद जी के 180,000 मुसलमान बने थे। मुसलमान का अर्थ होता है जो जीव हिंसा भी नहीं करे, जूम तक नहीं मारे, डेरे मार देते हैं, ये भी नहीं मारे, अर्थात जीव हिंसा बिल्कुल नहीं करा, ये नियम में लिखा उनके में, ब्याज तक नहीं ले। तो क्या वो महापुरुष बकरे काट कर ईद मनाने की शिक्षा दे सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। या तो बाद में जीव के चठोरे, ये नकली जो गुरु होते हैं ना, ये जनता को भ्रमित कर देते हैं। जैसे पवित्र हिंदू समाज में और मुसलमान धर्म में एक विशेष यही रोला रहा करता कि मुसलमान मांस खाते हैं, हिंदू मांस नहीं खाते। ये मांस खाने वाले को हिंदू बहुत हे समझते थे, और आज हिंदू समाज मेरे ख्याल मुसलमानों ने भी माफ कर रहा है मांस खाने में। घर घर पिगरी फार्म हो गए, पोल्ट्री फार्म बना लिए है, और मांस खावे। अब ऐसे ही सिख धर्म में कोई मांस नहीं छूता था, किसी भी सदग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं भी ये मांस खाना लिखना तो दूर रहा, उसके लिए बहुत ज्यादा निंदनीय बताया है उसको। और सिख समाज जितना मांस मेरे ख्याल में मुसलमान भी ना खाते होंगे, और शराब पीवे। अब मुसलमान धर्म शराब की आन करता है और मांस डटकर खावे, हुक्का पीवे, तमाखू पाड़े। ऐसे ही हिंदू समाज मांस की आड़ करता था, आंट करता था, शराब पीवे और पहले हुक्का पाड़े। अब वह मांस की भी आड़ कोई ना रही, कोई आंट नहीं। सिख समाज तमाखू की तय आंट करे और मांस और दारू छक कर पीवे, वो तेरा गजब हो। तो ये क्यों बिजली गिर गई? उन 10 गुरुओं में से किसी ने मांस ना तक खाया और ना संदेश दिया। बाद में जीव के चठोरे नकली व्यक्तियों ने भ्रमणा फैला दी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने बकरे काटे थे 5, अरे गुरु गोविंद सिंह ने वो 500 बकरे काट के जीवित कर दिए थे, तुम जीवित करके दिखा दो, तुम्हें फिर खाने का अधिकार कहाँ है? तो इस प्रकार हम उस अपने जीव के स्वाद में और संत उन महापुरुषों की आड़ ले लेते हैं जो कि हमारी अधूरी ज्ञान युक्त होती है। तो आने वाले समय में यदि कोई ये भी कहने लग जाएगा कि गुरुओं का आदेश है मांस खाने का, ऐसी भ्रमणा करने वाली पत्रिकाएं छप जाएंगी, तो पुण्यात्माओं आने वाले अगर ये अब ये ब्रेक ना लग गया ना, इस तत्व ज्ञान का प्रचार से ब्रेक लग जाएगा, हर एक धर्म में लगेगा बुराई का ब्रेक। नहीं तो आने वाले 100-200-400 वर्ष के बाद ये कहने लग जाएंगे गुरु गोविंद नानक जी भी मांस खाया करते थे, उन्हीं के अनुयायी, क्योंकि अपनी जाड़ के स्वाद के लिए। लेकिन ऐसा कहीं नहीं था, वो महापुरुष तो बड़े देव पुरुष थे। तो ऐसे ही हजरत मोहम्मद जी और उनके 180,000 अनुयायी बने थे, वो मांस को छुया भी नहीं करते थे। परमात्मा कहते हैं मुसलमान जो मांस छू है नहीं, मांस बखे सो गोला। तो इस प्रकार परमात्मा उन्हें समझा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो तो आदरणीय महापुरुष हुए हैं,
वो राम रसूल कहाए, और 180,000 सौगंध जिन नहीं कर जलाए, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहेब के अब्दाली, वो तो परमात्मा के विशेष कृपा पात्र थे वो महापुरुष, और तुम उनकी आड लेकर उनका नाम लेकर के कैसा जुल्म कर रहे हो। अब उसके ऊपर इन काजी और मुल्लाओं को परमात्मा लताड़ा करते थे, कैसे काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करंत, गरीब दास उस सरे में इब झगड़े आन पड़ंत। कबीर साहब के विरोधी हो गए काजी और मुल्ला भी, उधर से हिंदुओं के गुरु ब्राह्मण लोग और अन्य ऋषि जी परमात्मा का सभी विरोध करने लगे, उसके बारे में अफवाहें चलाने लगे, वो तो गंदा आदमी है, वो तो ऐसा करता है, वहां ऐसा होता है, और झूठा है, वो अज्ञानी है, वो कौन सा संस्कृत जानता है, वो क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, झूठा है। सुन काजी राजी नहीं आप अलै खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। अब आपको बताते हैं कि जैसे ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म के अनुयायी पवित्र बाइबल को आदर की दृष्टि से मानते हैं और सत्य मानते हैं, पवित्र बाइबल का 70% और 50 और 70 के बीच में प्रतिशत उल्लेख कुरान शरीफ के अंदर है। अब पुण्यात्माओं, पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और कुरान शरीफ उसको सेकंड करती है कि ऐसा ही हुआ। तो उस 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर बैठने वाले परमात्मा तो अपने तख्त पर चले गए, वो तो तख्त पर चले गए अपने, वो तो उसके बाद काल ने बागडोर संभाल ली। उसके बाद यदि पुराण में या कुरान में या किसी और बाइबल में मांस खान का संदेश है, पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो अन्य देवों का है, फरिश्तों का है, जो भगवान के विधान के विरुद्ध है। अब आपको संकेत दिखाते हैं कि पवित्र बाइबल में मांस किसी भी प्राणी को, जंगली जानवरों को भी मांस खाने का अधिकार नहीं, आदेश नहीं है। सतयुग में शेर भी मांस नहीं खाते थे, वो फलो आहार करते थे, या कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें पंजे कोई काट दे उसमें दूध बहता उनसे, बहुत सुंदर, वैसे बहुत अच्छा उनमें पदार्थ निकलता है, और भी जैसे गन्ने हैं, ये बहुत ऊंचे ऐसे बहुत प्रकार के पदार्थ जिनको ये शेर भी उनको खाते थे, और इन पंजों को पाड़ लेते थे उससे, वृक्ष की छाल को, उससे वो आहार करते थे। आने वाले समय में सब हिंसक होते जा रहे हैं, मनुष्य लागे खाण बता जीव तक क्यों नहीं खाओ, शेर क्यों नहीं खाएंगे। तो ऐसे देखिएगा ये पवित्र बाइबल। पुण्यात्मा, हमने इस तत्व ज्ञान को गहराई से समझना है, नहीं तो कोई डगमग करके हमें फिर काल के जाल में रख लेगा। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, और ये कहां से छपा है, प्रिंटेड इन इंडिया, यह जनरल एडिशन, डोनलैंड सी स्टैंप्स, स्टैंप्स MADMDY, यह है एसोसिएट एडिटर जे वेस्ट वेसली एडमंड्स PhD, नीचे देखो लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंग फाइड मिश्योर USA से प्रिंटेड है इन इंडिया, प्रिंटेड इन इंडिया लेकिन लिखा उन्हीं का, उन्हीं के द्वारा है। अच्छा, इसमें सृष्टि रचना के विषय में बताया है, ये देखिएगा। हम पहले ये दिखाते हैं कि एक तो प्रत्येक धर्म में यह भ्रमणा फैल, यह ज्ञान फैला हुआ है कि भगवान निराकार है। हिंदू उसको निराकार कहते हैं, मुसलमान उसे बेचून कहते हैं, ईसाई उसे फॉर्मलेस कहते हैं, और सिख उसे भी, सिख भी निरंकार कहते हैं, कि भगवान एक निरंकार है।
क्योंकि नानक साहब ने जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई थी उससे पहले वो भगवान को, क्योंकि आदरणीय नानक साहब जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ था और हिंदू धर्म को इन पांडवों ने, ब्राह्मणों ने, यानी जो नकली ब्राह्मणों ने मिसगाइड किया हुआ था, तो उस आधार पर निराकार मानते थे। वो वाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी उच्चारित है। बाद में जब परमात्मा उनको मिले, उन्होंने स्पष्ट किया है कि धानक रूप रहा करतार, उसकी सूरत है फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब में महला पहला की वाणी है, प्रश्न नंबर 24 पे अंकित है। तो इसी प्रकार ईसाई समाज कहता है भगवान फॉर्मलेस है, उसका कोई आकार नहीं है, और हमारे सदग्रंथ कहते वो साकार है, पवित्र बाइबल कहता वो साकार है, और पवित्र कुरान शरीफ कहती है वो साकार है, क्योंकि जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तकत पर जा बैठा, जा विराजा, यानी साकार है तभी तो जा बैठा, और निराकार तो वैसे सर्वव्यापक है उसका विराजय के। तो ये सोचना, आप देखना हमने एक ही सदग्रंथ से बहुत से निर्णय मिलेंगे। पवित्र बाइबल प्रश्न नंबर 5 पे Genesis 1:2, अब यहां 26 में देखते हैं, फिर परमेश्वर ने, यहां से शुरू होता है ये कि आरंभ, ये आरंभ उत्पत्ति एक, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ऐसे ऐसे पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान पड़ी थी। अब हम यहां आते 26 नंबर पर, ये आगे 26 पे आ जाओ, ये फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27 में तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने इस मनुष्य की सृष्टि की। 28 में कहा और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, किसको, मनुष्य को, और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा तो आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे 29 में फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुम्हें दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। अब देखो ओए हाय, फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए आदेश है ये पवित्र बाइबल में, पूर्ण परमात्मा जिसने सृष्टि रची सारी, उसका आदेश है कि तुम्हारे लिए ये बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष हमने तुम्हें दिए, ये तुम्हारा भोजन है, नथिंग एल्स। और पक्षियों को भी, पशु पक्षियों को भी ऐसे ही आदेश दिया। आगे देखो, अब 30 में देखो, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है उन सब को खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये छठवां दिन हो गया। अब यहाँ क्या परमेश्वर ने अपने काम से जो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने पूरे काम से 7वें दिन विश्राम लिया किया, ठीक है। अब क्या हो गया कि भगवान ने, पूर्ण परमात्मा ने जिसने सृष्टि रची उसने किसी भी व्यक्ति या प्राणी को मांस खाने का, हिंसा करने का आदेश नहीं दिया। अब यही प्रमाण देखो आप, आज ही एक भक्त ने हमें प्रार्थना की थी उनसे, तो उन्होंने आज ये इंग्लिश प्रिंटेड इंग्लिश लैंग्वेज में पवित्र बाइबल लाकर दिया है, ये आपको इसमें भी दिखाते हैं सेम टू सेम स्टेटमेंट, ये देखिएगा। गॉड न्यूज बाइबल
ये देखना ये कहां से छपता है। ये देखिएगा, ये लिखा है इन्होंने कि न्यूयॉर्क में 1966 में, 1971 में और 1976 में, फोर्थ एडिशन 1976 में मैप्स, ब्रिटिश होरियन बाइबल सोसाइटी 1976 1979 वाले ने छपवाया है। ये केवल प्रिंटेड कलकत्ता में हुआ है एज इट इज, ये है उन्हीं की तरफ से। तो अब हम इसमें देखते हैं, ये देखिएगा, ये है वही जेनेसिस 1 और इसके प्रश्न नंबर 4 पे यहां लिखा है द स्टोरी ऑफ क्रिएशन। अब हम इसके, ये वही है, इन द बिगनिंग व्हेन गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स द अर्थ वाज फॉर्मलेस, यानी इसका कोई विशेष आकार नहीं था, एंड डिसोलेट। अब यहां हम इसके 26 में आते हैं, उबड़ खाबड़ थी तस्वीर, वो मतलब उसे मिलाया हमने जो पहले हिंदी में लिखा था। अब 26 में देखें, देन गॉड सेड एंड नाउ वी विल मेक ह्यूमन बीइंग्स, दे विल बी लाइक अस, यानी मेरे जैसे होंगे, हमारे जैसे, एंड रिसेम्बल यानी अस, यानी मेरे से ही मेल खाते, में उनका शरीर मेरे जैसा ही होगा। फिर पढ़ियो, दे विल बी लाइक अस, भगवान कह रहा है, और एंड रिसेम्बल अस, दे विल हैव पावर ओवर द फिश एंड ब्रिड्स एंड ऑल द एनिमल्स डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड लार्ज एंड स्मॉल, सो गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स, ये मनुष्यों को कैसा बनाया, मेकिंग देम टू बी लाइक हिमसेल्फ, ही क्रिएटेड देम मेल एंड फीमेल, उन्होंने नर नारी करके उनकी उत्पत्ति की। और भगवान ने तीन बार लिखा है इसमें भी कि भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अपने स्वरूप जैसा जो का तू, और आगे भी यही लिखा है, उनको खाने के लिए कोई आदेश और नहीं है। ये देखिएगा भाई, छठा दिन हो गया से, आगे देखो, ये लिखा है कि गॉड लुक्ड इट एवरीथिंग ही हैड मेड, देन ही वॉज वेरी हैप्पी प्लीज, इवनिंग पास्ट एंड मॉर्निंग केम, दैट वॉज द सिक्स्थ डे। हाँ, आगे देखो, इसी में लिखा है कि आगे इन्होंने क्या क्या खाने को लिए दिया है, यहां देखना, ये फिर आगे 28 में, ब्लेस्ड देम एंड सैड हैव मैनी चिल्ड्रन सो दैट योअर डिसेंटेंट्स विल लाइव ऑल ओवर द ब्रिंग्स एंड ब्रिंग्स इन अंडर देयर कंट्रोल, आई एम putting you in the charge of fish and birds and all the world wilds, all the wild animals it was provided all, अच्छा ये क्या लिखा है, I have provided, अब ये क्या आदेश दे रहा है भगवान पूर्ण परमात्मा कि I have provided all kind of grain and all kind of fruit for you to eat, nothing else, all kind of grain यानी बीज वाले पौधे कणक और all kind of fruits, बस ये तुम्हारा आहार है। तो इस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन चला गया, उसके बाद काल ने उद्मस्तार दिया, जो सारी मनुष्य को, मानव को उल्टे रास्ते ला दिया, और अब ये स्पष्ट हुआ परमात्मा जो कहा करते थे कि न तो हिंदू समाज के जो गुरु लोग हैं वो अपने सदग्रंथों से परिचित हैं, वो क्या संदेश दे रहे हैं, और न ही ईसाइयों के गुरु लोग वर्तमान में उस यथार्थता से परिचित हैं जो
पवित्र बाइबल संदेश दे रहा है, और न ही मुसलमान परिचित है अपने पवित्र कुरान शरीफ से कि वो क्या बताना चाह रही है। अब देखिएगा, ये कुरान शरीफ सूरत फुरकानी, ये कुरान शरीफ है, और ये कहां से छपी है, इसमें लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। ये कुरान शरीफ मुतरजम है बहिर सिंह शाहनवाज सिटीपन, इसका शेरवानी संस्करण, और ये कहां से प्रकाशित है, छपी कहां से है, ये देखिएगा। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ। इसमें देखिएगा सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 तक। इसमें हम सिर्फ यही बताएंगे, हिंदी इन्हीं के द्वारा अनुवादित बताते हैं जिससे काफी निर्णय निकल जाएगा। ये देखिएगा सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 पृष्ठ 604 पे। अब हम इसका, इन्होंने यहां तो ये एज इट इज फोटोकॉपी है, इसकी इन्होंने देवनागरी लिपि में ही इसी को लिखा है, लिपि देवनागरी है, भाषा यही है अरबी, और इन्होंने यहां लिखा है 52 में नीचे, फला तुतियल काफिरन व जहादम बही जिहादन कबीरन, ये कबीर शब्द लिखा है। अब यहां इन्होंने अनुवाद किया है इसके दूसरे प्रश्न सामने ही, ये 52 में, ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब क्या कह रहा है, गीता यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको मुसलमान धर्म और हजरत मोहम्मद अपना खुदा मानते हैं, कि खुदा ने कुरान शरीफ का ज्ञान बोला और हजरत मोहम्मद जी के अंदर से प्रेरणा करके, वो अंदर से बोलते थे, प्रवेश करके भी बोलता था और बाहर से फरिश्ते भी आकर ज्ञान देते थे, तो वो ज्ञान दे रहा है हजरत, कहते वो संदेश भगवान का ही था, चाहे फरिश्तों ने सुनाया, चाहे हजरत मोहम्मद के अंदर से आवाज आई, चाहे किसी ने किसी प्रकार भी कुरान शरीफ में लिखा, ये आदेश कहते भगवान का है, उस अल्लाह का है जिसको ये मुसलमान धर्म अपना भगवान अंतिम भगवान मान रहे हैं। अब वो भगवान कह रहा है, वो अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि वो कबीर परमात्मा है, उसको ये काफिर लोग नहीं मानते, आप इनकी बातों में मत आना, मेरे द्वारा जो कुरान शरीफ के अंदर ज्ञान दिया है इनके ऊपर विश्वास रखना, संघर्ष करना उनकी बातों का, तो को मत मानना, झगड़ा नहीं करना, संघर्ष करना। तो वो कौन है वो भगवान, अब 53-54 में ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 607 पे 52 का अनुवाद है कि 53 का अनुवाद है, वह और वही है जिसने दो नदियों को मिला चलाया है और मीठा प्यास बुझाने वाला एक खारी कड़वा और दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया और जिसने साहिब नसब यानी बेटा बेटी ससुराल वाला यानी किसी को दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है। ओहो, और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए मुंह मोड़े हैं। ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है, वो अल्लाह बोल रहा है जो कुरान शरीफ का अल्लाह माना जाता है, इन लोगों के से कहो कि मैं तुमसे अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता हूं, हां जो चाहे अपने परिवार तक पहुंचने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार करे कर ले, और ए पैगंबर उस जिंदा जो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा अल्लाह इसको हजरत मोहम्मद को भी मिले थे, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, इन्होंने जिंदा कर चैतन्य किया नहीं, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है।
या काफी खबरदार, इन्होंने क्या लिखा है ये 58 में, ये खबीरा शब्द है, ये खबीरा शब्द है, इन्होंने बड़ा अर्थ कर दिया, काफी बहुत है। इसका अर्थ है कि वो कबीर खूब जानता है, काफी नहीं, गुनाहों से वह कबीर खबरदार है, यानी जानता है, खूब अच्छी तरह परिचित है, और जिसने आसमानों और जमीन में जो कुछ उनके बीच में है उस सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने ये 59 में भी देखो, ये कबीर शब्द है, खबीरन, इसको इन्होंने बड़ा शब्द कर दिया। हम कहते हैं वो अल्लाह कबीर है। ओह, फिर पढ़िए 59 में, आयत नंबर 59, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच है में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर है। हम कबीर लिख दे इसको, रहमान है और वो दयालु है, जो उसकी तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। ओहो, अभी से एक तो ये स्पष्ट हो गया कि जो पवित्र बाइबल में समर्थक कहा है वो इसका समर्थन है, और ये दूसरा ये हो गया कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह किसी और पूर्ण परमात्मा कबीर नामक अल्लाह की तरफ, अल्लाहू अकबर की तरफ संकेत कर रहा है, और वो उस परमात्मा के बारे में कुरान शरीफ ज्ञानदाता नहीं जानता, वो कहता किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। यही पवित्र गीता जी 10 नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस परमात्मा के विषय में तत्व ज्ञान समझने के लिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। परमात्मा ये उनको कहा करता, सुनाया करता था काजी और मुल्लाओं को, लेकिन उन काजी और मुल्लाओं ने ये सत संदेश जनसाधारण तक नहीं जाने दिया, ये कह करके कि कबीर अशिक्षित है, अनपढ़ है, ये क्या जाने हमारे कुरान शरीफ के बारे में, गूढ़ रहस्य के बारे में। अब गूढ़ रहस्य देख लो, ये था इस पवित्र सदग्रंथ का कि वो परमात्मा कोई और है, जो गीता तुम जिसको भगवान माने बैठे हो, वो खुद कह रहा है कि वो तो कोई और परमात्मा, उसकी खबर वो खुद नहीं जानता, किसी तत्वदर्शी संत के लिए संकेत किया। इस बात को सुनकर ये काजी और मुल्ला परमात्मा के शत्रु बन गए, और उनके सत संदेश को कि कहीं ये हमारे अनुयायियों को इस सच्चे ज्ञान से परिचित ना करवा दे, इसलिए परमात्मा के बारे में अच्छी बुरी कहानियां बनाकर उसको परमात्मा के विरोधी बना दिया पूरे जनसाधारण को, और वो परमात्मा के विरोध करने लगे, और किसी दिन समय आने पर एक रात सिकंदर लोदी से उनकी शिकायत की गई। बोलो सतगुरुदेव, कर जोरों विनती करूं, दरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है,
तुमसे हमको नाई, तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ग्रंथ मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्षक बरे विकार, तुम दाता दुख वंजना, मेरी करो शुमारी। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखें तो वहां जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सत पुरुष भजो, अवगत कला कबीर।